कंपैरिजन में किसे कहते हैं? देखिए क्या होगा आगे, जब हम अब इससे पहले क्या पढ़े थे, चैन सर्वे है ना, जब चैन सर्वे के साथ साथ एंगल को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंपास का, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपास सर्वे। इन कंपास सर्वे क्या है कि सर्वेक्षण करते समय दूरी नापने के लिए जरीब का तथा एंगल मापने के लिए कोण का प्रयोग करते हैं, उस सर्वे को हम लोग कहेंगे कंपास सर्वे। क्या कहलाएगा आपका, कंपास सर्वे हो जाएगा। उसको हमको समझना है ट्रेवर्स, क्या समझना है, ट्रेवर्स यानी माला रेखा, माला रेखा। तो ट्रेवर्स कितने प्रकार के होंगे हमारे, दो प्रकार के ट्रेवर्स, कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहला होगा आपका क्लोज ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स। दूसरा क्या होता है आपका, तो पहला क्लोज आ गया, दूसरा हो जाएगा आपका ओपन ट्रेवर्स, है ना, पहला क्लोज ट्रेवर्स और दूसरा होगा आपका ओपन ट्रेवर्स। मतलब पहला आपका बंद माला रेखा, अभी सर समझ आ जाएगा क्या होगा आपका, पहला बंद माला रेखा, दूसरा क्या होगा आपका खुला माला रेखा, क्या हो जाएगा आपका खुला माला रेखा। जैसे कि आपको सर्वे करना है नहर का, किसका सर्वे करना है, नहर का, तो यहाँ से शुरू किए तो नहर ऐसा 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 तो नहर जाएगा, तो यहाँ से कितना एंगल पर मुड़ा, तो इस तरह का सर्वे करेंगे तो क्या होगा आपका खुला सर्वे। या फिर रेलवे लाइन का भी सर्वे करेंगे तो किस तरह जाएगा, इसी तरह जाएगा ना कि कहाँ से कितना एंगल मुड़ा हुआ है, यानी एंगल बनाते हुए जाएंगे। रोड का हो गया, नहर का हो गया, रेलवे का हो गया, इन सब का सर्वे किस में आएगा आपका, ओपन ट्रेवर्स के अंदर। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या आएगा कि ओपन ट्रेवर्स क्या है, देगा आपका ऑप्शन रोड सर्वे, दूसरा आपका दे देगा रेलवे, है ना, क्या दे देगा आपका रेलवे, तीसरा आपका क्या दे देगा कैनाल यानी नहर हो जाएगा या रिवर हो जाएगा नदी का, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि भाई आप एक जंगल का सर्वे करना है कि जंगल में कितने एरिया में है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, जाएंगे 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 और यहाँ मिला देंगे, है कि नहीं, यानी ए बी सी डी ई एफ, कहेंगे यहाँ से 20-30 एंगल बनाए बताएंगे, तो इसे कहेंगे बंद माला रेखा, है ना। तो कंपास सर्वे कितने प्रकार के, दो प्रकार के कर सकते हैं, एक क्लोज ट्रेवर्स और दूसरा ओपन ट्रेवर्स। जहाँ से सर्वे शुरू करते हैं यदि सर्वे वहीं पर आकर खत्म हो जाए तो कौन सा ट्रेवर्स होगा, क्लोज ट्रेवर्स यानी बंद माला रेखा। और जहाँ सर्वे शुरू करते हैं वहाँ सर्वे वहीं आकर ना खत्म होकर चलता जाता है कंटिन्यू, उसे हम लोग कहते हैं ओपन ट्रेवर्स यानी खुला माला रेखा है। इसके अंदर क्या आएगा आपका, जैसे कि किसी फील्ड का सर्वे करना है, किसी जंगल का सर्वे करना है, किसी घर का करना, किसी तालाब का करना है ना, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे आपके, क्लोज ट्रेवर्स यानी बंद माला रेखा, ठीक है। तो नोट करिए इसको बना रख सकते, समझिएगा। अभी हम माला रेखा समझ रहे थे ना, तो वो हम अब समझेंगे मेरिडियन, क्या समझेंगे, मेरिडियन या फिर बियरिंग। मेरिडियन का हिंदी होता है कायम उत्तर और बियरिंग मतलब होता है दिक्मान, ठीक है, क्या होगा आपका दिक्मान, ठीक है। अब एक बार समझ जाइए, जब भी हम मेरिडियन बोलेंगे तब वो क्या समझना है, यम उत्तर बोलना है और बियरिंग बोलेंगे तो दिक्मान, ठीक है, तो हिंदी वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, मेरिडियन और बियरिंग। तो मेरिडियन क्या होता है समझिएगा, मेरिडियन आप कुछ भी मेजर करेंगे एंगल, तो एंगल कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेकर मेजर करेंगे। हम कहेंगे इस दीवार से इस बोर्ड से कितने एंगल पे, हम कहेंगे इस बोर्ड से 40 एंगल पे, तो इस बोर्ड से हम एंगल मिल लिए हैं, इन बोर्ड को क्या माने हैं, रेफरेंस माने हैं, बोर्ड से क्या माने हैं, बोर्ड को रेफरेंस माने हैं, ठीक है। हम कह देंगे हम 45 अंक पर झुक गए, तो कहाँ से झुके, पृथ्वी को रेफरेंस माने हैं, है ना। तो वही है मेरिडियन मतलब या उत्तर मतलब क्या होता है, या उत्तर कि संदर्भ दिशा, संदर्भ दिशा या फिर रेखा जिसके सापेक्ष कोण को मापते हैं यम उत्तर कहलाता है, समझ गए, यम उत्तर कहलाता है, क्या कहलाता है, यम उत्तर। ये बोर्ड से हम कितने अंश पर हैं, 45, एक क्या हो गया आपका यम उत्तर। हम जमीन से कितने अंश पर झुके हैं, 30, तो क्या हो गया जमीन आपका हो गया यम उत्तर। अब कौन सा यम उत्तर है हम देखेंगे, ठीक है। अब यम उत्तर कई प्रकार के होंगे, यम उत्तर
क्या होंगे? कई प्रकार से। पहला होगा आपका सत्यामृतक, क्या होगा आपका सत्यामृतक, या फिर इसे भौगोलिक यामृतक भी कहेंगे, भौगोलिक यामृतक। हिंदी क्या होगा? ट्रू मेरिडियन या फिर जियोग्राफिकल मेरिडियन, क्या होगा आपका? ट्रू मेरिडियन। अब समझे ट्रू मेरिडियन किसे कहते हैं, क्या होगा कि ये हो गया आपका पृथ्वी, एक पृथ्वी का उत्तरी अक्ष, एक पृथ्वी का दक्षिणी अक्ष, तो उसके बीच से एक रेखा गुजारेंगे, एक रेखा तो गुजरेगा ना, काल्पनिक रहेगा ना, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है कि नहीं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अक्ष मानकर जब हम कोई एंगल को मेजर करेंगे तो नॉर्थ साउथ अक्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। भाई पृथ्वी है ना, उत्तरी ध्रुव भी है और दक्षिणी ध्रुव भी है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा काल्पनिक, बीच से काटेंगे काल्पनिक रेखा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू मेरिडियन। क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे सेल्फी वगैरह में, सेल्फी वगैरह लेते हैं तो दिखाता है ना, उसमें दिखाएगा आपका लेटीट्यूड और डिपार्चर दिखाता है ना, तो कहाँ से लिया गया है? नॉर्थ, यानी ट्रू मेरिडियन से लेटीट्यूड और डिपार्चर दिखाता होगा है ना। अब जो मंगी मोबाइल होती है ना, लेटीट्यूड दिखाता है 8 अंश 3 मिनट ऐसे दिखाएगा, 4 अंश 3 मिनट इतना पश्चिम पूर्व ऐसे दिखाता रहता है, तो वो क्या होगा समझिएगा, सत्य मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू मेरिडियन। अब क्या ये रेखा कभी बदलेगा? नहीं बदलने वाला, पृथ्वी का अक्ष कभी इधर उधर होगा, पोल कभी इधर उधर होगा नहीं, तो अक्ष भी इधर उधर होने वाला नहीं है, यह मतलब आपको समझ आ गया। अब आपको समझना है दिक्मान, क्या समझना है आपको? दिक्मान दिख रहा है ना सही से? अब क्या समझना है आपको? दिक्मान समझना है। हम दिक्मान किसे कहते हैं? यमोत्तर के संदर्भ में, यमोत्तर के संदर्भ में, संदर्भ में मापे गए कोण को, कोण को क्या कहते हैं? दिक्मान कहते हैं, दिक्मान कहते हैं। समझिएगा दोनों एक ही तरह लग रहा होगा। यमोत्तर क्या होता है कि जिसके सापेक्ष कोण को मापते हैं, जिसके सापेक्ष कोण को मापेंगे उसे कहेंगे हम लोग यमोत्तर, लेकिन जितना कोण मापेंगे 30-40 उसे हम लोग कहेंगे दिक्मान, उसे क्या कहेंगे? दिक्मान कहेंगे। जितना कोण मापेंगे उसे हम कहेंगे दिक्मान, जिसके सापेक्ष मापेंगे उसे कहेंगे हम लोग यमोत्तर। अब समझिएगा, अब इसके सापेक्ष हम कोण माप सकते हैं कि नहीं मापेंगे? इसके सापेक्ष कोण मापेंगे तो उसे हम कहेंगे सत्य दिक्मान, सत्य दिक्मान, यानी ट्रू बियरिंग। क्या कहेंगे हम लोग? ट्रू बियरिंग। समझ रहे हैं? तो ट्रू बियरिंग क्या हो गया भाई? ट्रू बियरिंग कहेंगे हम लोग कि सत्य, सत्य यमोत्तर के सापेक्ष, सत्य यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए, मापे गए कोण को, कोण को सत्य दिक्मान कहते हैं, सत्य दिक्मान कहते हैं। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं? इसके सापेक्ष जो भी कोण मापेंगे इसको रिफरेंस मान के उसे कहेंगे वो ट्रू बियरिंग। क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग। ये बताइए कभी बदलने वाला है? नहीं बदलेगा। तो कभी भी सत्य दिक्मान कभी भी नहीं बदलता। क्या होता है? कभी भी नहीं बदलता है, हमेशा क्या रहेगा? ये स्थिर रहेगा। समझ रहे हैं? क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अभी आप खुद समझ रहे हैं बदलेगा कैसे। ठीक है, तो पहला क्या था आपका? सत्य यमोत्तर, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है आपका? ट्रू, ट्रू मेरिडियन, यानी सत्य यमोत्तर। ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष मापे गए कोण को क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग। क्या कहेंगे? सत्य दिक्मान, है ना। क्या कभी ट्रू मेरिडियन बदलेगा? नहीं। तो क्या कभी ट्रू बियरिंग बदलेगा? नहीं बदलने वाला, है ना। पहला समझ आया। दूसरा होता है आपका चुंबकीय यमोत्तर। क्या होगा आपका? चुंबकीय यमोत्तर, यानी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बियरिंग, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होगा आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बताइए, आप समझिएगा, कभी भी आप चुंबक को रखेंगे तो किस दिशा में रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में, सबको पता है कि नहीं।
तो इसी नियम से हम कंपास सर्वे करते हैं। कंपास में क्या लगा रहता है, चुंबक ही लगा रहता है, ठीक है। सर्वे करेंगे देखिएगा पूरा कंपास लगा रहेगा, तो इसे एक क्या हो गया आपका चुंबक हो गया। इसको कहीं भी रखेंगे तो क्या उत्तर दक्षिण देगा कि नहीं देगा, कहीं रख दिया दे दिया आपका उत्तर दक्षिण, यहाँ भी लेके जाएंगे तो उत्तर और दक्षिण, है ना, हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण। तो एक हम चुंबक खड़ा करेंगे और इसके सापेक्ष जो कोण मापेंगे तो उसे कहेंगे चुंबकीय दिक्मान, लेकिन इसके सापेक्ष इस चुंबक वाले को क्या कहेंगे, चुंबक वाले रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग, है ना। यानी लिखेंगे हम स्वतंत्र रूप से रखी गई चुंबक के अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय यामतर, क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकीय यामतर, है कि नहीं। ये बताइए इसको कहीं भी लेकर चले जाएंगे एक जगह टिका दें स्वतंत्र रूप से तो कहीं तो इसी तरह रहेगा, हमेशा नॉर्थ में रहेगा, हमेशा कहाँ रहेगा, साउथ में ही रहेगा, है ना। तो एक एक एक्सिस बना रहेगा नहीं रिफरेंस अच्छे, एक कहीं जाएगा तो ऐसा रहेगा जिसके सापेक्ष हम कोण माप सकते हैं। अब देखिएगा हम सर्वे करेंगे तो कैसे कोण मापेंगे, चुंबक के थ्रू कोण मापते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखिए क्या कंपास सर्वे कुछ नहीं है भाई। अब देखिए एक प्लेट रहता है, एक क्या रहेगा, एक प्लेट रहेगा, ऊपर क्या लगा देंगे हम कंपास, कंपास हमेशा इसी तरह रहेगा, इसी प्लेट में लिखे रहेंगे 3, 4, 5, 6, 7 जैसे हम बता रहे हैं। ये मोबाइल क्या हो गया मेरा, एक प्लेट हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया चुंबक, ये चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में रहेगा। इस प्लेट में 0, 1, 2, 3, 4 अंश लिखे रहेंगे, सबसे पहले 0, 0 पर कर देंगे, उसके बाद इसको मान लीजिए हम इसको देख रहे थे, उसके बाद आपको देखेंगे, उसके बाद घुमाएंगे इसको नक्की नहीं, इसको घुमाएंगे भाई चुंबक तो घूमेगा नहीं, ये तो उत्तर दक्षिण में रहेगा, एक कहाँ रहेगा उत्तर दक्षिण में। तो और जितना घुमाएंगे तो आपका लिखा हुआ तो ऊपर देख लेंगे नहीं कितना से घुमाया, बस सिंपल सा ही है। कंपास कुछ नहीं होता भाई, सीधा देखे, हाँ सीधा देखे कितना 0, 0 उसको घुमा दीजिए, जब इसको घुमाएंगे तो क्या ये घूमेगा, चुंबक तो घूमने वाला नहीं है, वो तो उत्तर दक्षिण में रहेगा। देखिए एक घूम गया, पढ़ लेंगे कितना अंश घुमाया के देखें हम साइड को, है कि नहीं, तो कंपास है। तो इसी का हम यूज़ करते हैं भाई, इसका तो यूज़ हम लोग नहीं करेंगे ना, इसका यूज इसका सर्वथा आपका इसको पता करना हम लोगों के बस की बात नहीं होता, ठीक है। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, किसका यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब समझिएगा अब मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष जो कोण मापेंगे उसे क्या कहेंगे लोग, मैग्नेटिक बियरिंग, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। चुंबकीय दिक्मान, क्या कहेंगे, चुंबकीय दिक्मान। यानी चुंबकीय इसका डिफिनेशन क्या हो गया, चुंबकीय यामोत्तर के सापेक्ष, हाँ चुंबकीय यामोत्तर के सापेक्ष, आसान समझ गए आप लोग, के सापेक्ष मापे गए कोण को चुंबकीय दिक्मान, कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्मान कहते हैं, चुंबकीय दिक्मान कहते हैं, है कि नहीं आसान, है ना। अब बताइए क्या कभी चुंबकीय दिक्मान चुंबकीय यामोत्तर बदलेगा, बदलेगा चुंबकीय मोटर, क्या होगा बदलेगा, कैसे बदलेगा समझिएगा। एक क्या हो गया आपका पृथ्वी हो गया, ऊपर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है आपका साउथ, जब रखते हैं तो नॉर्थ की तरफ साउथ जाता है, साउथ की तरफ नॉर्थ, ऐसा होगा ना, इसी तरह होगा। अब समझिएगा अब क्या इसको इस चुंबक को यहाँ लेके जाएंगे तो इस तरह होगा कि नहीं होगा जी सर भाई। समझिएगा ये एक चुंबक था, ये पृथ्वी हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, चुंबक यहाँ था नॉर्थ और साउथ। अब चुंबक ले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं रहेगा, वो तो अपने पोल की तरफ जाएगा ना, तो इस तरह हो जाएगा, है ना। तो क्या है कि चुंबकीय यामोत्तर का मान हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता है, जैसे जैसे इधर उधर आता है तो पोल के अनुसार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, पोल के अनुसार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो बताइए जब ये बदलेगा चुंबकीय यामोत्तर बदलेगा, चुंबकीय दिक्मान भी तो बदलेगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे चुंबकीय दिक्मान का मान क्या होता रहता है, सभी जगह स्थिर नहीं रहता है कि नहीं। इसका मान क्या होता रहता है आपका, बदलता रहता है, जबकि ट्रू का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन समझिएगा ये हमको छोटा कार्य करना हो, अपना घर बनाना हो, तो क्या हम कंपास की जरूरत है, छोटा काम करना हो तो कंपास की जरूरत है, नहीं ना। समझे, मान लीजिए आपको छोटा सा कहीं घर बनाना है या फिर छोटा वर्क करना है
तो अब उसके जो प्रॉपर्टी यानी सत्य तो करेंगे नहीं, और चुंबकीय चुंबकीय कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हम चुंबकीय को नहीं करते हैं। उसके लिए मानते हैं एक आर्बिट्री यानी स्वैच्छिक स्वैच्छिक यमोत्तर, क्या कहेंगे हाँ लोग स्वैच्छिक यमोत्तर, यानी अपने मन से मान लेंगे, अपने मन से कोई छोटा मोटा हमको काम करना रहेगा तो अपने मन से मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पोल धंसा गया है, क्या धंसा हो गया है पोल, हमको यहाँ सर्वे करना है, तो मान लेंगे कि सर्वे पोल से इतने अंश पे शुरू हो रहा है, कुछ मान लेंगे कुआ है ना, यानी जो परमानेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका परमानेंट होना चाहिए। छोटे मोटे कार्य के लिए अपने स्वेच्छा से कोई मान लेंगे, किसी रेफरेंस एक्सिस को मान लेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्वैच्छिक यमोत्तर, है ना, क्या कहेंगे स्वैच्छिक यमोत्तर। अब लोग देखे होंगे अब गाँव वगैरह में जब रोड वगैरह बनता है तो एक बोर्ड टंगा रहता है, बोर्ड पे लिख रहेंगे सब कि इनके घर से इतना मीटर दूरी से लेकर इतना मीटर तक कंक्रीटिंग कार्य हुआ वगैरह वगैरह लिख रहते हैं। तो क्या है स्वच्छता से मान लिया है ना, अपने को यानी अपने सुविधा के लिए अगल बगल मान लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका स्वच्छिक का मतलब, यानी अपने स्वच्छता से अपने सुविधा अनुसार छोटे कार्य उतने होगा सुविधा अनुसार माने गए अच्छ को क्या कहेंगे स्वैच्छिक यमोत्तर, क्या कहेगा आपका स्वैच्छिक यमोत्तर। और समझिएगा अब स्वैच्छिक यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए कौन को क्या कहेंगे स्वैच्छिक दिग्मान, स्वैच्छिक दिग्मान यानी स्वैच्छिक दिख रहा है स्वैच्छिक यमोत्तर, समझिएगा स्वैच्छिक यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए कोण को क्या कहते हैं स्वैच्छिक दिक्मान कहते हैं, क्या कहेंगे स्वैच्छिक दिक्मान। तीनों क्लियर हुआ? ये तो भाई ये तो फर्जी है, ये तो हर जगह बदलता रहेगा, इसमें बदलने ना बदलने वाले का सवाल ही नहीं है ना। इसमें दो फर्जी है, एक मैग्नेटिक फर्जी है, ठीक है दिख रहा है, ठीक है ना। क्या हो गया स्वैच्छिक दिक्मान स्वैच्छिक यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए कौन को क्या कहेंगे स्वैच्छिक दिक्मान, ठीक है। तो बियरिंग समझ आया और मेरिडियन समझ आया। यमोत्तर क्या होता है, कोई रिफरेंस एक्सिस जिसके सापेक्ष हम कौन मापेंगे क्या कहलाएगा दिक्मान यानी मेरिडियन। मेरिडियन कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, ट्रू मैग्नेटिक और आर्बिट्री। ट्रू यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या मानेंगे हम लोग मेरिडियन। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक के अक्ष को क्या मानेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या चुंबकीय मेरिडियन कोई बदलता है, नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन बदलता है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन बदलता रहता है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता रहता है, चुंबक का मान इधर से उधर पृथ्वी पर ले जाने पर थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन उसके बाद स्वच्छी अपने सुविधा के अनुसार मान लेंगे तो स्वच्छी मेरिडियन। ये दोनों तो हमेशा बदलेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, जो जो क्वेश्चन आने वाला हम टोटली लिख दे रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ बनाना होता है चुंबक बना लीजिए भाई, चुंबक बना लीजिए ना, सब मैग्नेट है ना, आपका कंपास हो गया ना, कंपास सेम ऐसा ही रहता है कंपास। अब समझिएगा कहेगा कि सत्य दिक्मान तो समझेगा ना, सत्य यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए, चुंबकीय दिक्मान चुंबकीय यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए, स्वैच्छिक यमोत्तर के सापेक्ष मापे गए, तो हम कहते हैं स्वैच्छिक दिक्मान। सिंपल है, नोट कर लीजिए इसको। ये सर ये तो मान लीजिए।